डियर आईसीएसई स्टूडेंट, ज्योग्राफी के आज हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह कंप्लीटली एमसीक्यू होंगे, तो आपके इससे यह पता चल जाएंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आईसीएसई क्लास 10th ज्योग्राफी के पेपर में क्या इंपॉर्टेंस देने हैं और किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स है कि टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस इन इंडिया। तो इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट एक्सपीरियंस होता है? तो इंडिया में मानसून तो है ही, और इंडिया में जब मानसून है तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसलिए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका आएगा इस तरह से कि डैश मतलब ब्लैंक्स है इज गुड फॉर टी एंड जूट कल्टीवेशन। तो जूट और टी कल्टीवेशन के लिए आपके पास कौन सा जो विंड है, विंड के बारे में पूछा जा रहा है, बेहतर है? लू तो कभी भी बेहतर नहीं होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं है, मानसून भी आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि ऑड मैन आउट को करते हैं तो काल बैसाखी हमारे पास बचता है। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर थर्ड क्वेश्चन जो ब्लैंक्स के रूप में है, डैश स्टेट इन इंडिया इज फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द ऑनसेट ऑफ मानसून, मतलब मानसून के अराइवल, एंड द लास्ट टू सी इट रिट्रीट, और इसको रिट्रीट के रूप में देखा जाता है। कौन सा स्टेट है जो कि अराइवल भी देखता है और रिट्रीट मतलब इसके जाने के समय को भी देखता है मानसून के? तो केरल ही पहला स्टेट है। जब आप देखेंगे मैप ऑफ इंडिया तो यहाँ पर केरल है, इधर से आप अंडमान और ये पूरी तरह से अरबियन सी से होते हुए इधर से आता है मानसून और फिर डिपार्चर होता है तो बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल होते हुए अंडमान एंड निकोबार होते हुए केरल को एक बार पार्ट ऑफ तमिलनाडु भी एक्सपीरियंस करता है, इसको आप विंटर रेन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई हैज थार डेवलप्ड इनटू डेजर्ट। अब कह रहा है कि थार डेजर्ट के रूप में क्यों डेवलप किया, कि नो क्लाउड कवर ऐसी भी बात नहीं है, बारिश होती है, नियर द सी भी नहीं है, ये तो लैंडलॉक एरिया है, ऑन द विथवर्ड साइड ऑफ द वेस्ट टर्न घाट। आप एक थ्योरी दे सकते हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेजर्ट ऐसे ही पाए जाते हैं ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड वाला, लेकिन अरावली इज पैरेलल टू साउथ वेस्ट मानसून। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि इस तरह से इंडिया का जो मैप है और यहाँ से अरबियन सी से होकर जैसे ही मानसून आती है तो इसके जैसे ही आएगा तो यहाँ पर जो अरावली है ये इसके पैरेलल है, तो अरावली को एक क्रॉस नहीं कर पाता है मानसून और इसको हाइट भी नहीं मिल पाती है, इसके कारण से ऐसा होता है। तो इन क्वेश्चंस को आप काफ़ी लॉजिकली देखोगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर देख लेने हैं, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर रेड कलर ऑफ रेड सॉइल। तो रेड कलर ऑफ रेड सॉइल के लिए मोटे तौर पर अधिकतर स्टूडेंट टिक कर देंगे कि अबंडेंस ऑफ मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम तो एक पॉइंट हो गया, फेरिक ऑक्साइड का प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सही ऑप्शन मतलब क्लोज टू द करेक्ट ये आपका हो गया सी, इसी को आप ठीक करेंगे। ध्यान देने हैं कि इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा ड्यूअल डायलेमा में होते हैं, तो ड्यूअल डायलेमा में वाले क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट को फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि द पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफन हिट बाय साइक्लोन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अब हम लोग देख लेते हैं किसका, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास चेन्नई का एक कोस्ट आ जाता है, इधर भी एक दो है जैसे कि पारादीप है, फिर आप यहाँ पर देख लेंगे वाइजेग है, तो ये सब है, वेस्ट बंगाल है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन से कि ऑफन हिट, तो ऑफन हिट की बात करेंगे तो ये चेन्नई एक श्योर शॉर्ट आपके आंसर्स हो जाएंगे। फिर 7th नंबर क्वेश्चन है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द डैश टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व क्रिटिकल इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। अब ये किसकी ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करेगा, तो ये सोसाइटी की ड्यूटी
मोटे तौर पर बनती है, लेकिन केवल 10% से 15% है, क्योंकि कंट्रोल तो सोसाइटी में नहीं है। सिटीजन की ड्यूटी तो वही सोसाइटी वाला पार्ट हो जाएगा कि 10-15% में इंक्लूडेड हो जाएंगे। यहाँ पर नन ऑफ दीज के लिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर में अधिकतर रिसोर्स रहते हैं, तो इनकी ड्यूटी बनती है 90% के करीब। इसलिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, गवर्नमेंट वाला, और इसको ध्यान देंगे इस तरह के क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, लार्जेस्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इज, कौन कौन से दो इंडस्ट्रीज है जो कि जिसमें मिनरल की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास कॉटन में और टेक्सटाइल में तो मिनरल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आयरन में मिनरल की जरूरत पड़ेगी और स्टील में भी मिनरल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आयरन एंड स्टील लिख देंगे, ये जूट इंडस्ट्री में नहीं पड़ेगी, तो वीट खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में मिनरल की जरूरत कहाँ से पड़ेगी, हाँ कंपोनेंट के लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन ये 100% ऐसा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि कौन से कौन। जैसे कि पहला और है, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र एंड गुजरात आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, सही है, ये तो 100% करेक्ट है। मुंबई एंड अहमदाबाद कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड लूम, कॉटन टेक्सटाइल से संबंधित आपके पास बताया जा रहा है, तो ये भी सही है, 50% या इससे ज़्यादा भी है। मुंबई इज कॉल्ड द कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया एंड और द लैंकशायर ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर कॉटन बहुत अच्छा ग्रो होता था। एक समय कॉटन के मिल यहाँ पर होते थे ना, उसको राजा माना जाता था, तो ये भी सही है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन सही होने के कारण हम इसको टिक कर देंगे। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स में हमें ध्यान रखने हैं। फिर डैश इज द स्टेपल फूड फॉर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, राइस नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में आप देखेंगे तो राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, मेज भी ज़्यादा नहीं है। फिर आपके पास वीट, हाँ वीट तो बन जाता है, क्योंकि वीट इज अ स्टेपल फूड फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि इट ग्रोज बेस्ड इन द कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, तो इस बात को ध्यान में रखते हैं। अगेन क्वेश्चन है, डैश स्टेट ऑफ इंडिया रिसीविंग द हाईएस्ट रेनफॉल, तो आसाम रिसीव करता है, ऐसी बात नहीं है, मिजोरम नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, मेघ का घर, मेघ मतलब बादल होता है, मेघालय, चेरापूंजी वहीं पर है, मासिनराम वहीं पर है, तो आप मेघालय को आंख मूंद के टिक कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर के, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट, और लेटराइट सॉइल नहीं है, ब्रेड सॉइल नहीं है, एलोवियल सॉइल नहीं है। थर्ड, सिनकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरिया ऑफ रेनफॉल मोर देन डैश, तो सिनकोना के बारे में है कि सिनकोना कहाँ पाया जाता है, 100 सेंटीमीटर जहाँ पर रेनफॉल होता है वहीं पर पाया जाता है, सिनकोना 100 सेंटीमीटर रेनफॉल से कम में नहीं पाया जाता है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, टू टाइप ऑफ कैनल इरीगेशन आर, कैनल इरीगेशन के दो टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि चैनल एंड ट्रेंचेज। कैनल इरिगेशन में चैनल एंड ट्रेंचेज मतलब कि गड्ढे बहुत ज़्यादा होने का जरूरत नहीं है, इनअंडेशन एंड परिनियल मतलब कि लगातार बारिश होती रहे और उससे नदी जमीन है लैंड है डूबता रहे, इनअंडेट इसको कहते हैं, तो ए एक हमको सही ऑप्शन लग रहा है। अनलाइंड एंड लाइंड ए भी नहीं है, इलोंगेटेड एंड वेड ए भी नहीं है, तो ए आपको समझ में यहाँ पर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, आयरन फ्रॉम इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू, इंडिया से आयरन किसको एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इंडिया से जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है, कोरिया को भी एक्सपोर्ट किया जाता है, साउथ कोरिया को, और नॉर्थ कोरिया भी ले जाता है इंडिया से, याद रखने हैं कि आयरन, और गल्फ कंट्रीज भी बहुत हद तक आयरन को है इंडिया से लेते हैं, तो ऑल ऑफ दिस सही आंसर में आता है, इसलिए इसको आप टिक कर दें जितनी जल्दी हो सके, ये जरूरी भी है। यहाँ पर आगे भी क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स अ गुड मार्केट फॉर इनपुट सच एज, किस किस चीज़ के लिए, इम्प्लीमेंट्स के लिए भी है, फर्टिलाइजर्स के लिए भी है, पेस्टिसाइड के लिए, ऑल ऑफ दीज सभी के लिए है, तो ऑल ऑफ दीज आप, इंडस्ट्रीज दैट आर डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर आर नोन एज, अब ऐसे इंडस्ट्रीज दैट आर डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट है
और उसको प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा होता है, तो ऐसे में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहेंगे। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि द पीरियड बिटवीन 10 इज कंसिडर टू बी द गोल्डन पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। कब इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान सबसे ज्यादा बिके इंडिया में? जब आप अपने ज्योग्राफी के चैप्टर को पढ़ेंगे तो 1982 से लेकर 1985 तक ऐसा माना जाता है, 1995 तक हमारा पीरियड है। कि ये तो बहुत शॉर्ट पीरियड हो जाएगा ना, तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर गोल्डन पीरियड हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जब हमारे पास दूरदर्शन था और बहुत सारे ऐसे ऐसे रेडियो टेलीविजन चैनल, न्यूज़, न्यू वेव्स, फिर छतरी वाला आ गया, तो जिस तरह से हमको सेटेलाइट टीवी, डीटीएच ये सब आए। इसी तरह से 9th क्वेश्चन है द डीपेस्ट लैंड लॉक एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया। जो लैंड से भी लॉक्ड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है और प्रोटेक्टेड भी है, तो ऐसे को क्या कहेंगे, या क्या कौन सा ऐसा पोर्ट है जहाँ पर है? तो मरमू गांव आपका समुद्र तट के किनारे है, ये भी नहीं है। सब सी के किनारे मुंबई है, ये भी नहीं है। कोचीन भी है, सी के किनारे नहीं है। लेकिन विशाखापट्टनम वाइजाग कहते हैं, वाइजाग है ना, ये आपका लैंडलॉक्ड है, प्रोटेक्टेड पोर्ट है इंडिया का, काफ़ी इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। हम आपको याद दिला दें कि सेकंड वर्ल्ड वार करें जब इंडिया पाकिस्तान का 1971 का वार हो रहा था ना, उस समय भी इसको काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा गया था। फिर डैश इज अ फॉर्म ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन विच ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोज्ड नेचुरली अंडर द ऑक्सीजन रिच कंटेंट्स। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें पूरी तरह से देखेंगे कि कहा जा रहा है डैश इज अ फॉर्म ऑफ वेस्ट, यह वेस्ट का एक फॉर्म है, तो जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज करता है, तो सेग्रीगेशन में अलग होता है, सैनिटेशन में अलग होता है, डंपिंग में भी आपको अलग, क्या कंपोजिशन में ये होता है, तो इसको आप कंपोजिशन हमको लगा दे, हमारे विचार से है डंपिंग में तो आप कचरा को डाल देते हैं, इधर उधर कंप कर देते हैं, सैनिटरी लैंडफिल में तो लैंड को आप भर देते हैं, तो ये भी नहीं हो गया, डिस्पोजल हो जाता है, लेकिन कंपोजिशन में इसको आप कंपोज कर लेते हैं, मतलब कि इसको एक तरह से वेस्ट का मैनेजमेंट है, डिस्पोजल में गिना जाता है। अब यहाँ पर कहा गया कि डैश इज द नेम गिवेन टू द लोकल विंड ड्यू ब्लो ड्यूरिंग द हॉट सीजन इन ईस्टर्न इंडिया। हॉट सीजन ईस्टर्न इंडिया में मैंगो सावर कब होता है? जुलाई में, तो यह लेकिन यह हॉट सावर के रूप में लोकल विंड नहीं कहा जाता है, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में चलती है, तो नॉर्वेस्टर्स भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। चेरी ब्लॉसम है दूसरे तरह, लेकिन काल बैसाखी पर 100% ऑप्शन सही जाते हैं, क्योंकि काल बैसाखी को लेकर जुड़ा हुआ है कि यह लोकल विंड भी है और ये हॉट सीजन के दौरान बहता है और पूरे ईस्टर्न इंडिया में बहते हैं। फिर डैश वाइल हैज द हायर आयरन कंटेंट एंड फाउंड इन मणिपुर एंड मिजोरम। मणिपुर एंड मिजोरम में जो भी पाए गए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह के सॉयल है? तो मणिपुर आपको भी जाकर देखिए, लेटराइट सॉयल नहीं मिलेगा, फिर ब्लैक सॉयल भी नहीं मिलेगा, रेड सॉयल तो मैंने खुद देखा है, मणिपुर में कुछ दिनों तक रहा हूँ, मिजोरम में नहीं रहा हूँ लेकिन मणिपुर में रहा हूँ, तो एलुवियल सॉयल वहाँ पर कोई मुद्दा ही नहीं है, चूँकि माउंटेनियस एरिया है, ग्रीन है, तो इसलिए यहाँ पर रेड सॉयल की बात है। विच इज़ द अदर नेम ऑफ लिटोरल फॉरेस्ट? लिटोरल फॉरेस्ट का अदर नेम, आपके पास रेन फॉरेस्ट नहीं है, मानसून फॉरेस्ट नहीं है, टाइडल फॉरेस्ट उसको कहते हैं, स्क्रब फॉरेस्ट नहीं है। डैश एंड डैश स्टेट्स आर द न्यूक्लियस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पंजाब और हरियाणा, हमारी समझ से यही दो स्टेट हैं जो कि पंजाब और हरियाणा न्यूक्लियस थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैगनीज
इन इंडिया इज, मैगनीज इंडिया में सबसे ज्यादा पुरंजी यूज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उड़ीसा में भी मैगनीज होता है, मध्य प्रदेश में भी मैगनीज होता है, तो ए एंड बी बोथ, मेरे विचार से तो ए और बी बोथ होना चाहिए। आप देख लीजिए कि किताब आगे क्या कहेगा, क्योंकि दोनों में होता है। मैंने पता किया है कि मैगनीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उड़ीसा है और उसके बाद एमपी है, तो यदि यह रेशियो 60-40 का भी है तो वो दोनों हो जाएंगे। अब इंडियन एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर डैश पर्पस और टोटल अर्निंग, तो बहुत कम हो गया है पहले की तुलना में। ये पहले था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब 40.7% ही गिना गया है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि पहले की तुलना में भारत में एग्रीकल्चर वर्क है जो काफ़ी हद तक प्रभावित हुए हैं। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चंस देख लीजिए बढ़िया से कि दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ, किसको कहते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट नहीं आएंगे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ये तो आ जाते हैं, कॉरपोरेटिव सेक्टर में भी अब आप देख लेंगे कि यहाँ पर इस तरह के आते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को ही मोटे तौर पर आप टिक मार दीजिए। फिर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राउरकेला स्टील प्लांट रिसीव्स और रॉ मटेरियल फ्रॉम, कहाँ से राउरकेला है जो कि रिसीव्स करता है, तो ये सुंदरगढ़ से रिसीव करता है, क्योंकि उसके बगल में ये ज़मीन है। मैं आपको एक पॉइंट लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा इसको लेकर कि राउरकेला स्टील प्लांट ऑब्टेन आयरन एंड स्टील फ्रॉम द सुंदरगढ़ और कोझार डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। मजे की बात है कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट काफ़ी गरीब हैं, सफरिंग से गुजरते हैं, फिर भी इनमें आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इनके ये इन प्लांट्स के लिए आयरन को प्रोड्यूस कर जाता है। पहला करेक्ट है द गैप बिटवीन द इनर एज ऑफ अ रेलवे ट्रैक, फिर द ब्रॉड गेज 1.67 ठीक है, मीटर गेज 100 मीटर, तो इन सब में सभी सही हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, नीरी कहाँ लोकेटेड है, नीरी को बताया गया है कि नागपुर में है, नीरी और नागपुर, इसी तरह से हमने जब कंपटीशन की तैयारी करनी थी तो याद करते थे कि नीरी नागपुर, तो आप इसी तरह से नागपुर को दे लें। अब हम अगले 10 क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करते हैं। डैश इज द अदर नेम फॉर इंक्लाइंड प्लेन मेथड ऑफ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल, वेल से किस तरह से है, पर्शियन व्हील ना, ये तो अदर नेम नहीं है, अदर नेम पूछ रहा है इंक्लाइंड प्लेन के लिए, तो ऐसे में आप ट्यूबवेल से तो नहीं जमीन से लेते हैं, बोरवेल भी ट्यूबवेल का एक प्रकार है, तो होते या महोते एक बच जाता है, तो हम लोग ऑड मैन आउट करके भी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करेंगे। डैश ट्री प्रोवाइड्स अ ड्यूरेबल टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस एंड बोट मेकिंग, बोट मेकिंग के लिए और कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए सुंदरी ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि इनको डेकोरेशन के लिए बहुत सारा यूज किया। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुड़ सॉइल कहते हैं, भांगड़ और खादर नहीं कहते, तो नदी वाली बात है कि कौन ताज़ा है और कौन पुरानी है, रेगुड़ सॉइल हम लोग मान लेते हैं। द रीजन फॉर राजस्थान बीइंग डिफिशियंट इन रेनफॉल, तो राजस्थान में विंड के कारण जो कि पूरा अरावली हिल पैरेलल है मानसून विंड के, तो यह भी एक कारण है। द विंड डू नॉट क्रॉस एनी बैरियर टू कॉज अपलिफ्ट टू बी कूल्ड, तो यहाँ पर इस बात को याद रखने हैं, मानसून फेल हो जाता है इन एरिया में, सही बात है, इट इज़ टू हीट टू हॉट, ये एरिया ही हॉट है, जब मानसून आएगी नहीं तो एरिया सॉरी हॉट हो जाएगी। फिर है वाटर नॉट अवेलेबल, नहीं ऐसी बात नहीं, लूनी रिवर है, इंदिरा गांधी सागर कैनाल है, लेकिन विंड है क्रॉस पास नहीं कर पाती है यहाँ पर, इस विंड का मतलब है
मॉनसून से, तो मॉनसून के कारण, और यहाँ पर बैरियर कौन है, तो बैरियर अरावली है, तो इसके कारण ये अपलिफ्ट नहीं हो पाता है। मैग्नेटाइट ओर ऑफ आयरन हैज, आयरन का जो मैग्नेटाइट ओर है उसमें आयरन कंटेंट भी होते हैं, एक्सेलेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होते हैं, तो बहुत है एन भी। एंड प्रूनिंग इज, अब प्रूनिंग किसको कह रहे हैं, तो कटिंग ऑफ, आप अनवांटेड सैपलिंग्स नहीं, ऐसा बात नहीं है, कटिंग कटिंग डाउन किया जाता है, और अनवांटेड सैपलिंग की जगह पर अनवांटेड ट्री को आप कट डाउन करेंगे। सैपलिंग छोटे छोटे पौधे को कट डाउन करना, तो दूसरी जगह आप अनवांटेड जो ट्री होते हैं उसको कट डाउन करके यूजेबल बनाते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास प्रूनिंग कहे जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एंड मिनरल बेस्ड, सीमेंट मिनरल बेस्ड नहीं है, ऑल ऑफ दीज इसमें नहीं होगा, हेवी इंजीनियरिंग मिनरल बेस्ड नहीं, आयरन एंड स्टील मिनरल बेस्ड है। जहाँ तक मुझे जानकारी होती है कि आयरन एंड स्टील को मिनरल बेस्ड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बात को याद रखेंगे जब हेवी इंजीनियरिंग होगी तो उसमें भी मिनरल बेस्ड आ जाते हैं। सीमेंट में आपको सिलिका वगैरह मिलाते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पर भी आ जाता है, तो ऐसे में हम लोग सिर्फ आयरन और स्टील तो मिनरल बेस्ड डायरेक्ट है, लेकिन हेवी इंजीनियरिंग में आप मिनरल आ जाएगा, फिर क्लाइमेट सीमेंट में सिलिका वगैरह आता है तो इसमें मिनरल आ जाएगा, तो उस कंडीशन में ऑल ऑफ दीज मैंने काट दिया, ये एक करेक्ट ऑप्शन, द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। मैंने यहाँ पर गलती करके यही समझाने की कोशिश की कि पहले आप टिक कर दो आयरन एंड स्टील, लेकिन समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नोन एज सिलिकन वैली, और इंडिया में बेंगलुरु सभी जानते हैं, हम भी बच्चा में थे तो रटते थे इस तरह से क्वेश्चंस, तो बेंगलुरु है, हैदराबाद चेन्नई वगैरह ना है। नाइन्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री का आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट नहीं माना जाता है, या फिर आप देख लीजिए तो मुरमू गांव आयरन एक्सपोर्ट होता है, बेसावाई जैक होता है, पारादीप यहाँ से भी आयरन का एक्सपोर्ट होता है, यानी कि सब मोस्ट करेक्ट आंसर वाले थ्योरी में जाएंगे या ऑडमैन आउट वाले में, तो डी होगा। फिर बेसिस ऑफ बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन इज यूज इन, तो देखिए मैन पल्प को भी आप मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज होता है, पैकेजिंग मटेरियल डेयरी प्रोडक्ट का इसमें भी यूज होता है, तो बोथ ए एंड बी एक करेक्ट ऑप्शन हमको लगता है, क्योंकि आप देखेंगे बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन, तो शुगर केन से आज पेपर पल्प बनाए जा रहे हैं, मेकिंग ऑफ पैकेजिंग किया जा रहा है, डेयरी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम में लिए जा रहे हैं। तो अभी तक मैंने 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए हैं, एमसीक्यूज हैं, और 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिए, और इसके जो करेक्ट आंसर होंगे मैं आपको लिंक है जो कि आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आप देख लेंगे, तो आप इसको को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप चाहें तो मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दे सकता हूं। तो कुल मिला के मैंने आपको 51 एमसीक्यूज को कराया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आईसीएसई क्लास 10th ज्योग्राफी के लिए, और ये एमसीक्यूज इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप दिन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि आप वाकई में कुछ हासिल किया है इन अप्रोच के साथ बनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार फिर देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखें।